दोस्तों आज 10 जनवरी 2019 हो चुका है और आज गुरुवार के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन और आज की बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। और दोस्तों गैस सिलेंडर को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है जो कि आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे, तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखें, कहीं आपसे वो खबर मिस ना हो जाए। तो चलिए सीधे चलते हैं आज के पहले खबर की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिजली पेट्रोल बाइक हो जाएंगे सस्ते, जीएसटी काउंसिल आज ले सकता है बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, आज 10 जनवरी 2019 है और आज जीएसटी की काउंसिल बैठक होने वाली है। आपको बता दें इस बैठक में मकान, फ्लैट, बाइक, स्कूटर समेत टू व्हीलर और कुछ और चीजें भी सस्ती हो सकती हैं, क्योंकि आज जो जीएसटी की बैठक होगी उनमें जिन चीजों पर 28% का टैक्स लगता है उसे 18% किया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें आज की जो बैठक होगी जीएसटी की, इस बैठक के बाद बिजली, गैस, तेल, पेट्रोल, डीजल भी सस्ता हो सकता है। और दोस्तों आज की अगली खबर कि अब टोकन से होगा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, आरबीआई ने जारी किए गाइडलाइन। आपको बता दें ऑनलाइन की दुनिया में जो फ्रॉड होता है उसे रोकने के लिए और सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए एक नई टोकन व्यवस्था शुरू की जाएगी। आपका जो डेबिट कार्ड होगा, आपका जो एटीएम कार्ड होगा, आपके पास जो क्रेडिट कार्ड होता है उसको एक टोकन के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी जो उस पे नंबर होते हैं वो एक कोड के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे और कहीं पर अगर आपको पेमेंट करनी होगी तो आप उस टोकन के जरिए पेमेंट करेंगे, ताकि जो आपके कार्ड की जानकारी है वो किसी के पास भी नहीं पहुंच सकेगी। आपको बता दें इस टोकन की सर्विस सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। फिलहाल टोकन लेने की सुविधा मोबाइल फोन और टैबलेट से ही शुरू हो जाएगी, यानी आपको टोकन नंबर वगैरह आपके फोन पर ही मिल जाया करेगा। और दोस्तों अगली खबर बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो तो देख रहे हैं पर वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर कर दें और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक करना, आपका शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल है। और दोस्तों आज की अगली खबर के व्हाट्सएप लाया एक और फीचर, खत्म हुई थर्ड पार्टी लॉक की जरूरत, अब फिंगरप्रिंट से खुलेगा अकाउंट। जी हां दोस्तों व्हाट्सएप की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें व्हाट्सएप ने एक नया फीचर लॉन्च कर दिया है जिसके तहत अब आप अपने व्हाट्सएप को फिंगरप्रिंट के जरिए सेफ रख सकते हैं। आपको बता दें अभी ये एंड्रॉइड बीटा वर्जन पर पेश कर दिया गया है। अगर आप भी इस फीचर को देखना चाहते हैं तो आपको इसका बीटा वर्जन इंस्टॉल करना होगा। फीचर लॉन्च होने के बाद आप जब भी व्हाट्सएप के अंदर एंटर करेंगे तो आपको अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ेगी अपने फिंगरप्रिंट से, तभी आपका व्हाट्सएप ओपन होगा। और दोस्तों आज की अगली खबर कि अगर आप भी खरीदते हैं ऑनलाइन फल और सब्जी तो 1 फरवरी से आपको चुकाने पड़ सकते हैं ज्यादा पैसे। जी हां दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन फल या सब्जी वगैरह खरीदते हैं तो आपको बता दें 1 फरवरी 2019 से आपको इन सभी चीजों के ज्यादा दाम चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको बता दें सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों के लिए नई गाइडलाइन शुरू की है जिसके मुताबिक अब कंपनियां कोई भी डिस्काउंट नहीं दे सकेंगी। इसी के तहत एक बड़ी खबर आई है कि जो फल सब्जियां ऑनलाइन मंगाते हैं अब वो भी महंगी हो जाएंगी। और दोस्तों आज की अगली खबर कि बजट 2019 में इनकम टैक्स छूट सीमा हो सकती है 5 लाख, सीआईआई ने सरकार के सामने रखी है डिमांड। जी हां दोस्तों 1 फरवरी 2019 को लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का अंतिम बजट पेश होने वाला है। आपको बता दें इस बजट में बहुत सारी मांगे रखी गई हैं, उन सब मांग में से एक मांग ये भी है कि अभी जो लोग 2.5 लाख रुपए सालाना कमाते हैं उन्हें टैक्स देना पड़ता है, यानी अगर किसी की इनकम सालाना 2.5 लाख रुपए से अधिक हो जाती है तो उसे टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन नई मांग के मुताबिक इस सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की मांग की गई है, तो हो सकता है कि अभी जो 1 फरवरी में बजट पेश किया जाए उसमें टैक्स छूट को 5 लाख कर दिया जाए। और दोस्तों आज की अगली खबर के लर्निंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए बड़ी राहत, दोबारा लाइसेंस बनवाने पर नहीं देना होगा टेस्ट, फीस भी लगेगी कम। ड्राइविंग लाइसेंस की तरफ से एक अच्छी खबर आई है। आपको बता दें आपको अगर लाइसेंस बनवाना होता है तो पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है। लर्निंग लाइसेंस बनवाते वक्त आपको एक टेस्ट देना पड़ता है तो ही आपको लर्निंग लाइसेंस मिलता है। लर्निंग लाइसेंस मिलने के बाद आपको 6 महीने का वक्त दिया जाता है, इसके बाद इसी बीच में आपको अपना पक्का वाला लाइसेंस बनवाना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग 6 महीने के अंदर अपना लाइसेंस बनवाने नहीं जाते हैं। अब जो लोग 6 महीने के अंदर भी नहीं जा पाएंगे और वो दोबारा जाएंगे तो उन लोगों को टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, साथ ही उन लोगों को लर्निंग फीस भी नहीं देनी पड़ेगी, डायरेक्ट उन लोगों का लाइसेंस ही बना दिया जाएगा। और दोस्तों आज की अगली खबर कि WEF का दावा, भारत के अच्छे दिन आने वाले हैं, BPL की कैटेगरी में रह जाएंगे सिर्फ 5% परिवार। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से एक बड़ी रिपोर्ट आई है। आपको बता दें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंडिया की एजेंसी नहीं है बल्कि ये पूरी दुनिया की इकोनॉमिक चीजों पर नजर रखती है। इसी की तरफ से भारत के लिए एक बड़ी रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले दिनों में भारत में सिर्फ 5% परिवार ही BPL यानी कि गरीबी रेखा के नीचे रह जाएंगे। और दोस्तों आज की अगली खबर कि रेलवे ने 13,000 पदों के लिए निकाली है भर्ती, आप भी कर सकते हैं आवेदन। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने यानी कि RRB ने 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के उम्मीदवारों के लिए 13,000 पदों पर भर्तियां निकाली है। इसमें अनेक पदों पर भर्तियां की जानी है, सभी भर्तियों के अलग अलग क्वालिफिकेशन है और अलग अलग डेट है। अगर आप भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2019 है और साथ ही रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जो आवेदन करेंगे उसकी डेडलाइन 7 फरवरी 2019 है। अब कौन कौन से पदों पर भर्ती निकली है और किन पे कितनी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, हम आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, आप ये सभी जानकारी उस लिंक द्वारा देख सकेंगे। और दोस्तों आज की अगली
खबर ट्रायल रूम या होटल के कमरे में हिडन कैमरा तो नहीं है, इस ऐप की मदद से पता लगा पाएंगे। अक्सर मॉल के ट्रायल रूम में या किसी होटल के कमरे में ये डर सताता रहता है कि कहीं कोई छुपा हुआ कैमरा ना हो, क्योंकि अक्सर इस तरह की घटनाएं देखी गई हैं कि बहुत सारी जगहों पर छुपे हुए कैमरे लगे होते हैं। उन छुपे हुए कैमरे से आपके पर्सनल वीडियोस बनाए जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, अब गूगल प्ले स्टोर पर एक ऐसा ऐप आ चुका है जिसका नाम है हिडन कैमरा डिटेक्टर। आपको बता दें, इस ऐप की मदद से आप छुपे हुए कैमरे का पता लगा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक ये ऐप उन फोन में काम करता है जिनमें मैग्नेटिक सेंसर होता है। आपकी आसानी के लिए हम इस ऐप का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी अधिक जानकारी देख सकते हैं। और दोस्तों, आज की अगली खबर कि टीवीएस हीरो बाइक हो जाएंगी 5,000 रुपए तक सस्ती अगर सरकार ने पूरी कर दी डिमांड। टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन ने दोपहिया वाहन पर जीएसटी घटाने की मांग की है। आपको बता दें, अभी बाइक पर 28% का जीएसटी लगता है जिसे 18% करने की मांग की जा रही है। सरकार अगर इस मांग को मान लेती है तो आपको बता दें बाइक के दाम 10% कम हो जाएंगे। यानी अगर कोई बाइक पहले 1,00,000 रुपए की आती थी तो अभी वो बाइक सिर्फ 90,000 रुपए में आ जाएगी। और दोस्तों, आज की अगली खबर कि केंद्र का आदेश, दिल्ली एनसीआर के सभी सरकारी कर्मचारी करें इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक मुहिम शुरू की है। इसकी शुरुआत केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने मंत्रालय से की है। उन्होंने नॉर्थ ब्लॉक में इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज स्टेशन का शुभारंभ किया है। जेटली ने मंत्रालय के बीच आवागमन के लिए पेट्रोल और डीजल की वाहन की जगह इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने का ऐलान किया है। और दोस्तों, आज की अगली खबर कि IRCTC का नया ऑफर, टिकट बुक करने पर मुफ्त में मिलेगा 50,00,000 रुपए का बीमा, सभी यात्रियों को मिलेगा लाभ, दुर्घटना पर परिजनों को मिलेगी आर्थिक सहायता। जी हाँ दोस्तों, IRCTC की तरफ से एक बहुत अच्छा ऑफर निकाला गया है। आपको बता दें, अगर आप IRCTC की वेबसाइट पे जाकर अपना कोई भी हवाई टिकट बुक करते हैं और कोई हादसा हो जाता है तो आपको बता दें IRCTC की तरफ से आपको पूरे 50,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। यानी आपके परिवार को 50,00,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। आपको बता दें, ये बीमा बिल्कुल फ्री है। ये बीमा बस आपको IRCTC प्लेटफॉर्म से टिकट बुक करने के एवज में दिया जा रहा है। और दोस्तों, आज की अगली खबर कि मात्र 899 रुपए में कर सकते हैं हवाई यात्रा, साथ ही 500 रुपए का मिलेगा कैशबैक। देश की सबसे बड़ी विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने 4 दिन की सेल की घोषणा की है, जिसमें घरेलू मार्ग पर किराया सिर्फ 899 रुपए है। जी हाँ दोस्तों, आप सिर्फ 899 रुपए में भारत के अंदर सफर कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, अगर आप ई वॉलेट से पेमेंट वगैरह करते हैं तो आपको 500 रुपए तक का कैशबैक भी मिल सकता है। आपको बता दें, ये ऑफर 9 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों, आज की अगली खबर कि गूगल प्ले स्टोर ने हटाया इन 85 खतरनाक ऐप को, आप भी कर लें चेक कहीं आपके फोन में तो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में गूगल प्ले स्टोर की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें, हाल ही में गूगल प्ले स्टोर ने अपने स्टोर से 85 खतरनाक ऐप हटाए हैं। आपको बता दें, सिक्योरिटी रिसर्च के मुताबिक ये ऐप एक तरह के एडवर्ड का हिस्सा है। प्ले स्टोर पर गेमिंग ऐप, टीवी और रिमोट कंट्रोल सिमुलेटर ऐप की शक्ल में मौजूद है। यानी जिन ऐप से आपको खतरा है, ये ऐप किसी ऐप के रूप में नहीं बल्कि आपके एंटरटेनमेंट की चीजों की तरह, जैसे कि गेम के रूप में, टीवी के रूप में, रिमोट कंट्रोल के रूप में आपके फोन में मौजूद है। आपको बता दें, जो ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक ये ऐप आपके फोन की अनलॉकिंग फंक्शन पर नजर रखते हैं, यानी आपके फोन की पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, आप उस लिंक पर क्लिक करके उन सभी ऐप के नाम को देख पाएंगे। और दोस्तों, आज की अगली खबर, 40,000 करोड़ की लागत से यहां बन रही है 3,000 किलोमीटर की लंबी दीवार, बदल जाएगी कई राज्यों की तस्वीर। दुनिया की सबसे लंबी दीवार बनने की तैयारी में है। आपको बता दें, ये दीवार 3,000 किलोमीटर लंबी होगी। इसका खर्च करीबन 40,000 करोड़ रुपए आएगा। आपको बता दें, ये दीवार हमारे भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में बनाई जाएगी। आपको बता दें, इस दीवार को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने मांग की है। आपको बता दें, इस दीवार की मदद से अमेरिका को पूरी तरीके से घेर दिया जाएगा ताकि कोई भी अवैध घुसपैठी या कोई ड्रग्स तस्करी शहर के अंदर यानी कि देश के अंदर ना आ पाए। पूरा शहर एक दीवार के रूप में कवर हो जाएगा। और दोस्तों, आज की अगली खबर कि 15 शहरों में एयर इंडिया नीलाम कर रहा है फ्लैट और प्लॉट, आप भी ले सकते हैं नीलामी में हिस्सा। खराबी माली हालत से जूझ रही एयर इंडिया ने अपनी प्रॉपर्टी को तेजी से नीलाम कर रही है। आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं और सस्ते में फ्लैट और प्लॉट ले सकते हैं। आपको बता दें, एयर इंडिया देश के 15 प्रमुख शहरों में अपनी प्रॉपर्टी को बेच रही है। आपको बता दें, ये नीलामी 31 जनवरी से 1 फरवरी के बीच होगी। अगर आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको 9 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में आवेदन करना होगा। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हम आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, आपको उससे ये भी पता चल जाएगा कि कहां कहां पर फ्लैट नीलाम किए जा रहे हैं। साथ ही में आपको और भी अधिक जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए आज की अगली खबर में आपको वो खबर बता देते हैं जो कि गैस सिलेंडर को लेकर आई है। आपको बता दें, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अपने गांव में खोले गैस एजेंसी, कंपनियां दे रही हैं मौका, देखें पूरी लिस्ट। जी हां दोस्तों, गैस एजेंसियों की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। अगर आप किसी गांव वगैरह में रहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि गैस एजेंसियां 8 राज्यों में
में 92 एजेंसियां खोलना चाहती हैं, जिसके लिए गैस एजेंसियों ने लोगों से आवेदन मंगवाए हैं। आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एजेंसी खोलने के लिए आपको सिक्योरिटी के तौर पर गैस एजेंसी को 2-4 लाख रुपए देना पड़ेगा। कौन कौन से जिलों में गैस एजेंसियां खोली जानी है, इसकी लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है। हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से जिलों में और कौन कौन से शहरों में गैस एजेंसी खोली जानी है और आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि पिछले 2-3 महीनों में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर पर करीबन 250 रुपए कम हो गए हैं और आने वाले दिनों में इस पर और भी रेट कम हो सकते हैं। जो गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर आई है, उसके मुताबिक हो सकता है कि घरेलू गैस सिलेंडर के रेट और भी कम हो जाएं, तो आम आदमी को अच्छी राहत मिलने वाली है। तो दोस्तों आइए अब आपको फटाफट से पेट्रोल डीजल का ताजा भाव, सोने चांदी का ताजा भाव बता देते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा सर्वे, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे तो इससे आपका माइंड भी तेज होगा। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि पेट्रोल डीजल में क्या फर्क होता है। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। दोस्तों बात करें पेट्रोल डीजल के ताजा भाव की, तो बीते 2 दिनों से यानी कि मंगलवार और बुधवार को इनकी कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 68.50 रुपए का मिल जाएगा। वहीं बात करें डीजल की, तो अभी आपको 1 लीटर डीजल दिल्ली में 62.24 रुपए का मिल जाएगा। आपको बता दें आप अपने शहर के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक द्वारा देख सकते हैं और साथ ही ये भी देख सकते हैं कि आपके शहर में आपके गांव में पेट्रोल के दाम घटे हैं या बढ़े हैं। दोस्तों बात करें सोने चांदी के ताजा भाव की, तो बीते दिन बुधवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना 110 रुपए महंगा हुआ है। सोने पर 110 रुपए की बढ़ोतरी होने के बाद अभी दिल्ली के सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 32,800 रुपए है। वहीं बात करें चांदी की, तो चांदी पर भी 300 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चांदी 300 रुपए महंगा होने के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत दिल्ली के सर्राफा बाजार में 40,100 रुपए है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रोजाना की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।